वोट जो न कराए। अंबेडकर जयंती पर इस समय पूजा हो रही है, बुद्धम शरणम गच्छामि, यहाँ पर लेकिन नेता अंबेडकर शरणम गच्छामि, आप तस्वीरों में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार निरहुआ अंबेडकर जयंती पर किस मनोयोग से इस प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं। और दिलचस्प बात है कि अब तस्वीर की दूसरी तरफ देखिए, समाजवादी पार्टी के दो नेता जो सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दुर्गा प्रसाद यादव और बलराम यादव, ये दो यादव कद्दावर नेता आजमगढ़ के हैं। एक मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते थे, दूसरे अखिलेश यादव के करीब, और दोनों अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे थे। एक ही प्रार्थना सभा में दो राजनीतिक धुर विरोधी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये अंबेडकर की ताकत है और ये दलित वोटों का की एक जुटता है जो सब यहाँ पर नतमस्तक। माहौल क्या है, हमें कुछ और रंग दिखाते हैं। आपका नाम क्या है? भदंत महाकाश्यप, त्रिष्ण बुद्ध विहार, हरबंशपुर। आज अच्छा, आप हर साल अंबेडकर जयंती पे यहाँ हर साल आते हैं, हमारा बुद्ध विहार से हो करके। अच्छा, ये बताइए मुझे, इस बार मैं देख रहा हूँ बाबा साहब की माला पहनाने की जो होड़ लगी है, सपा के भी नेता हैं, भाजपा के भी नेता हैं, पहले भी ऐसा कभी हुआ है? नहीं, पहले ऐसा नहीं, आदमी तो बहुत आते थे लेकिन ऐसे पार्टी निस्बत तो नहीं आते थे, लेकिन अब की मरतबा सभी लोग आए हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि सभी लोग बाबा साहब को प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। देखिए, भाजपा के उम्मीदवार निरहुआ, सपा के मंत्री जी लोग सब एक साथ एक मंच पर आए, पहले कभी आए थे? आए हैं लेकिन सभी लोग नहीं आए थे, नेता लोग सभी लोग नहीं आते थे, इस मरतबा सभी लोग जितने लोग लड़े हैं सब लोग आ रहे हैं, तो बाबा साहब तो माहौल है। हाँ, ये तो है, लग रहा है अब आज के युग में आप समय का फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन जो लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो लोग त्रिशण पंचशील को जानते हैं, बौद्ध धर्म को जानते हैं, वही लोग बाबा साहब के असली मार्ग पर चलने वाले हैं। हम लोग मानवता को जोड़ने के लिए, ये बौद्ध धर्म जो है। माहौल क्या है, मैं देखा आपने कहीं और चलते। अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बलराम यादव जी और दुर्गा यादव जी हमारे साथ हैं। बलराम जी, ये जो अंबेडकर जयंती के दिन आप लोग अंबेडकर जी का इतना भव्य जन्मदिन मना रहे हैं, ये गठबंधन की राजनीति के लिए जरूरी था क्या? सर्वप्रथम बाबा भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर उनके चरणों में मैं नमन करता हूं, और ये इतना जरूर विश्वास देता रहूंगा कि आज़ादी के दीवानों ने जो कुर्बानी देकर हमें अधिकार दिया था, समानता का अधिकार, उनके बनाए संविधान की पालन करते हुए हम और हमारे विचारधारा के लोग, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग संकल्प ले रहे हैं कि उनके संविधान को और उनके अधिकार रक्षा के लिए हम सब लोग अपने को समर्पित करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंच पर भाजपा का उम्मीदवार भी माल्यार्पण कर रहा है अंबेडकर। क्या हो गया? भाजपा के उम्मीदवार, जितना आपने कहा उतना पर्याप्त हमारा, अब आज दूसरी बात नहीं, कौन भाजपा है कौन है, हम लोग बंद अब आप भी यहाँ है, भाजपा के लोग भी हैं, अंबेडकर जयंती मतलब ये जिसको संविधान में विश्वास है सब नतमस्तक हो गए, जिसको भारतीय संविधान में। निरहुआ वहाँ बगीचे में एक जनसभा को संबोधित कर रहा है, यहाँ पे कुछ महिलाएं खड़ी हैं, निरहुआ को देखने आई हैं? हाँ, देखने आई हूँ। खाली देखेंगी कि वोट भी? उनको वोट भी दूंगी, देखूंगी, वोट भी दे सकती हूँ, इनको वोट दूंगी और किसी को नहीं। इनको देना है या मोदी को? मोदी को दो चाहे इनको दो, बात तो बराबर है ना। तो मोदी में ऐसा क्या है? मोदी ऐसे हैं, सब इतना अच्छा वो प्रधानमंत्री है, सबको देख सकते हैं, सबको, उनके ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं, कुछ नहीं किया है, इसलिए हम उनको वोट देंगे। क्या किया है मोदी? हर जगह पर अच्छा काम किए हैं,
सुरक्षित सबके घर, कोई किसी के घर शौचालय नहीं था वो भी बनवाए हैं, हर एक चीज किए हैं, मैं उसी को वोट दूंगी, इससे आगे क्या कहूंगी। एक छोटे से बगीचे में निरहुआ जनसभा को संबोधित कर रहा है। यहाँ पर देखिए महिलाएं दूर से सुन भी रही हैं और देख भी रही हैं। तो आप निरहुआ को पहले से भी जानती थी? जी। कैसे? अरे वही टीवी में देखे थे, और कैसे जानते हैं, गाना गाए हैं, देखे हैं, और कैसे देखे हैं। बढ़िया गाता है? ओ हाँ, गाना गाता है बढ़िया। कौन वाला? और कौन गाना? सब अच्छा गाना गाता है। पहला गाना उनका है दुल्हन नहीं रहे बीमार नहीं रहुआ सटल रहे, ये गाना है ना। अच्छा छछुनरो का करबू तेल गम कौआ, यही गाना उनका पहला है। कौन सा? छछुनरो क्या करबू तेल गम कौआ, यही गाना उनका निरहुआ सटल रहे, बहुत बढ़िया गाना है ना। पहला ही गाना जो निरहुआ का था दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, वो इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ भोजपुरी क्षेत्र में कि निरहुआ एक ही गाने से सुपरस्टार बन गया। क्यों जी? तो बहरहाल आप मुझे ये बताइए कि खाली देखने ही आई हैं, सुनने ही आई हैं कि वोट वोट भी इसको कुछ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, जब आए हैं तो मिलेगा वोट। तो आप मोदी जी को वोट देंगी कि निरहुआ को? नहीं, हम मोदी जी को देंगे वोट। मोदी का तो चाहे निरहुआ का तो बात तो एक ही है ना। मोदी जी ने काम अच्छा किया? हाँ, मोदी जी अच्छा काम किए हैं। तो निरहुआ का माहौल अच्छा है या मोदी जी का माहौल अच्छा है? निरहुआ का भी माहौल अच्छा है, मोदी जी की भी अच्छा माहौल है, दोनों जी का है। मोदी जी गए हैं कि किसी के घर शौचालय नहीं था, आवास नहीं मिलता था, सब कुछ मोदी जी दिवाए हैं ना, इसलिए उनका काम में भी अच्छा है। ये सही कह रही है? यस। आप लोग को भी लगता है? हाँ। तू देख ले, निरहुआ का गाना आप भी सुनी है? अच्छा, अभी नहीं नहीं शर्मा रही। तो अच्छा एक बात, अब हम चल रहे हैं, निरहुआ का माहौल क्या है पता कर रहे हैं। आप अगर वो गाना जो निरहुआ गाया था थोड़ा सा गा के सुना देती दो लाइन? अरे बाप रे, नहीं हम नहीं गाएंगे। आप तो थोड़ा सा, आप खुद ही देखे होंगे, आप नहीं जानते हैं। नहीं नहीं, हमको हम उतना भोजपुरी गाना जानते, थोड़ा सा आप एक लाइन सुना दीजिए जैसे वो गाया था। हाँ, कौन गाना गाए? वही दुल्हनिया रहे बीमार। अरे वाह, आप तो हमको फंसा दिए। नहीं कोई बात नहीं, अरे ये सब जनता का माहौल है, सुना दीजिए। नहीं, दुल्ही नी रहे बीमार नी रहुआ सटल रहे, दुल्ही रहे बीमार नी रहुआ सटल रहे, मंगर चाहे सुमार जाके डटल रहे, दुल्ही नी रहे बीमार नी रहुआ सटल रहे। अरे इतना अच्छा तक आवत निरहुआ सटल रहे, माहौल क्या है, मैं कहीं और चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। माहौल क्या है, मैं आज हम आजमगढ़ पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ एक हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि बीजेपी ने दिनेश लाल यादव, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार निरहुआ को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। तो यहां का माहौल क्या है आज यही जानेंगे। मैं इस वक्त निरहुआ की एक जनसभा में हूं जो शुरू होने वाली है। मेरे पीछे आप देखिए ट्रैक्टर ट्राली पर मंच बना हुआ है, निरहुआ के आने का इंतज़ार है। तो आज यही देखेंगे कि निरहुआ का माहौल क्या है। अब निरहुआ की एक और जनसभा होने वाली है, इस वक्त कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप निरहुआ को सुनते हैं? जी। देखा है? देखा हूँ सर। देखने आए? देखने चला हूँ, पर वोट नहीं दूंगा। आए? वोट नहीं देंगे सर उनका। कहे? कहे कि जो विकास किया इस जिले को उसको वोट देंगे कि निरहुआ को वोट देंगे, बताइए। अरे इतना बड़ा भोजपुरी का नहीं कोई वो अभिनेता, यहाँ नेता चाहिए, अच्छा नेता चाहिए। यहाँ आजमगढ़ के विकास महिला हो, कमिश्नरी हो, PGI हो, हवाई पट्टी हो, केवल अखिलेश यादव सरकार में, सपा सरकार में सब यहाँ विकास हुआ है। आपका नाम क्या है? संतोष। आगे? संतोष यादव। तो ये यादवों में जी क्या दिनेश यादव? नहीं सर, ये बात नहीं, विकास हम लोग को रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। आपको बताइए, यादवों की बहुत ज्यादा यहाँ पर वोट है, तो यादवों में दिनेश यादव निरहुआ जी कितना हिस्सा ले पाएंगे इसमें? सर विकास पुरुष अखिलेश यादव, यादवों में कम से कम 99% वोट उनको मिलेगा, और यहाँ से कम 2.5 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगे।
अच्छा, बाकी जातियों का तो बीजेपी को मिले? नहीं नहीं, हर जितने लोग पढ़े लिखे हैं, जितने लोग विकास चाहते हो वो अखिलेश यादव को वोट देंगे। आप बताइए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, तुम भी यादव? हाँ। आगे जा रहे हो, इधर आओ चाचा। क्या नाम है आपका? मारा राम नगीना नाम है। नगीना नाम है। नगीना जी, अभी यादव है? नहीं, हम निषाद हैं। तो आप बताइए, निरहुआ और अखिलेश में किसका माहौल आपको लग रहा है तगड़ा? लग रहा है निरहुआ का यहाँ माहौल तगड़ा। तो मोदी की वजह से कि अपने वजह से? नहीं, मोदी की वजह से, अपने की सुविधा से। क्या नाम है? बताइए। हमारा नाम राजगुरु। राजगुरु? हाँ। राजगुरु का नाम आप जानते हैं? राजगुरु कौन थे? हाँ हाँ, जानी ला। कौन? अरे राजगुरु हमारे गंगे में पंडित थे। अरे यार, शहीद देशभक्त राजगुरु का नाम, गांव वाले पंडित जी के राजगुरु नाम। बाप रख गए क्या करी? बाप हमारे रख देना, हम तो क्या करी? बाप रख दिए तो हम क्या करी? ये बताओ, यहाँ के का माहौल है? अब माहौल तो यहाँ भाई, हम कहें के बोलिए, अखिलेश का है माहौल। हाँ भाई, जो बात तो साफ हो, हम तो यहाँ देखा या नहीं। खाली निरहुआ को? हाँ हाँ हाँ, कि हाँ 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 भाई, हाँ। बड़ा स्टार है भोजपुरी का ना? हाँ हाँ। गाना वाना भी सुने उसका? नहीं, वो गाना में सुना खाना ही नहीं है। वो गाना कहाँ सुना रहा है? आप तो भाषण दे रहे हैं। अरे गनों का ही है ना हमें? ना नहीं सब, तो हालांकि गनों का ही है, आप ऑटो ली है। हाँ, मतलब गाना सुन लेंगे, वोट नहीं देंगे? नहीं भाई, हम अखिलेश का आदमी है तो कैसे उनके देंगे। तो कहाँ जा रहे हैं? है ही नहीं। हाँ, सुन के जाइएगा। हाँ हाँ, सुना थी। और आप बताइए। अरे भाग रहे हो? आओ चचा, आप बताओ कि इस बार जो अरे बच्चों भागो यार, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि देहाती इलाकों में आजमगढ़ में चुनाव को लेके किसका माहौल बीस है? हमारे समय से बेला में भाजपा ही चलत थे। तो जा कहाँ रहे हो? आपका नाम क्या है? करिया ना, करिया। करिया? हाँ। करिया मुंडा भी थे, जानते हैं उनको? कौन मुंडा? अच्छा सुनो, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भाजपा है, ये सिर्फ मोदी की वजह से या निरहुआ की वजह से? निरहुआ मोदी सटल है ना हम। निरहुआ का गाना है, निरहुआ सटल रहे, उसी हिसाब से इन्हें कह रहे हैं निरहुआ और मोदी सटल रहे ना। हाँ ठीक, निरहुआ गनो सुन ले। अब ये आज हो ही यही है। देखिए, ये बात अलग है कि निरहुआ को कौन वोट देगा नहीं देगा, लेकिन एक आकर्षण है, और निरहुआ भोजपुरी फिल्मों का सुपरस्टार है, या इस वक्त, या ये भी कहिए कि पूर्वांचल के लिए वो भोजपुरी फिल्मों का अमिताभ बच्चन भी है। क्यों? जी जी सर, जी। हाँ सही कह रहे हैं। बहुत सही सर, बहुत सही। क्या बहुत सही? ओ सुपर हिट है निरहुआ, मोदी के लिए और पूरे भारत के लिए सुपर हिट है निरहुआ। निरहुआ है, और निरहुआ से टक्कर अखिलेश जी का हुआ है, लेकिन अखिलेश जी पीछे हो जाएंगे आज। अब की बारी, लड़ाई होगी, मतलब लड़ाई होगी बहुत जम के। लड़ाई में कौन बीस होगा? अखिलेश। अखिलेश तुम बताओ कौन बीस होगा? निरहुआ। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश, 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 अखिलेश। शोर मत करो, माहौल क्या है, मैं कुछ और देखते हैं।